टेक्निकल चीजों में और भी हमें डेवलप करना होगा। मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूंगा, प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक कंप्यूटर का कोचिंग सेंटर होना जरूरी होगा, क्योंकि आजकल देखते हैं बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं ज्यादातर कंप्यूटर से स्टूडेंट को एग्जाम देना पड़ता है। गाँव घर के स्टूडेंट को जब कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहता तो या कुछ थोड़ा बहुत सीख रहा है, जब एग्जाम में जाते हैं उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोनों टीम के खड़े आप लोग बैठ जाएंगे जिससे टाइपरकर में दिक्कत ना हो, और यूट्यूबर कुछ अगर आप लोग बैठ के अपने कैमरे में कैद कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ तो मैदान के उत्तरी छोर के दर्शकों के लिए बड़ी मेहरबानी होगी, या थोड़ा सा आप लोग दूर दूर में खड़े हो जाएंगे। अंडर 17 के खड़े आप लोग बैठ जाइए। गैलरी वन सा गैलरी खन पड़ा भाई अपन सा दक्षिण का बटन है जहाँ गैलरी में ना साहबन सता खुल के नौका था तो लेके नौ कुड़ी की तरह को लेके जगह रहे कुड़ी की तरह यदि को बढ़ती ही दिया तो मेन गैलरी को थोड़ा कोड़ा बहा को दमन सा तेरे पहला किक लेने का मौका मिल चुकी है। पर के कैबरेस अंडर 17 जमशेदपुर की टीम को जगन्नाथपुर के ऐतिहासिक मैदान में बखूबी दर्शाते हुए शॉटिंग में ज्यादा समय ना ले। आप पहले में बता रहा हूं दोनों टीम को रेस करने का आपको टाइम मिल रही, सेमीफाइनल के लिए अतिरिक्त रेस करने का टाइम आपको हम लोग नहीं दे पाएंगे। पानी पीना चाहेंगे मेडिकल सेंटर में जाके पानी आप लोग पी लेंगे। प्रे मैदान के अंदर भी प्रे करके बहुत सारे टीमों को हम लोग जीतते हुए देख चुके हैं, चैंपियन होते हुए हम लोग देख चुके हैं। बहुत ही अच्छी जमीनी शॉट प्रधान के द्वारा शानदार गोल मारे। दर्शकों के लिए सूचना है, अभी भी सुभाष माता जी को से सूचना मिल चुकी है, जितने भी दर्शक अभी भी आप लोग आ रहे किंगफिशर है भाई, इसके बाद जो तोड़ता हूँ आप लोग मोटरसाइकिल या साइकिल को पार्किंग करें, ये गलत व्यवहार है आपका। गैरेज की व्यवस्था है, आप लोग गैरेज में पार्किंग कर देंगे, गैरेज में रखने का इच्छुक नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं, लेकिन रास्ता सब लोग दूर में साइकिल मोटरसाइकिल को पार्किंग करें और जो हमारा बैरियर है रस्सी का उसको ना तोड़े। बहुत ही ताबड़तोड़ शॉट अपर सुरेश टुडू का। सुरेश की अगर बात की जाए एक अच्छे फुटबॉलर है, टाटा मोटर्स के ऑलराउंडर प्लेयर है। बात अगर एजुकेशन की किया जाए तो बहुत ही ग्रेट स्टूडेंट के रूप में जान जाते हैं। बहुत सारे अभिभावकों का ऐसा भी मानना है कि मेरा बच्चा अगर खेलकूद में जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई का डिस्टर्ब हो जाएगा। और दो एक मैच के बाद खेलकूद कभी भी फाइनल मैच होगा, और एक मैच के बाद अगर आप लोग सेमीफाइनल मैच बाकी है आज का, उसके बाद होगा काफी आगे बढ़ जाएंगे। परमाणु प्रतिपादित करने वाले प्रथम वैज्ञानिक नील मोहर की जीवनी को अगर देखें, वे बचपन में युवावस्था में एक अच्छे फुटबॉलर थे, उनके छोटा भाई हेरोल्ड भी बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे और दोनों ने अपने देश के लिए काफी सालों तक फुटबॉल को खेले थे। और देखते ही देखते नील्स बोहर दुनिया का एक महानतम वैज्ञानिक और उनके छोटा भाई हेरोल्ड एक अच्छे गणितज्ञ बने। चलिए इसी बीच हमारे अतिथि चलिए बहुत ही खुशी बात है, फेना प्राइवेट लिमिटेड जो आज हमारे इस प्रोग्राम में डोनर के रूप में जुड़े हैं, उनके चीफ आदरणीय श्री रविंद्र कुमार श्रीवास्तव जी हमारी कमेटी मंच में कदम रख चुके हैं। मैं हमारी कमेटी परिवार को से तहे दिल से मैं इनको स्वागत करता हूं।
अच्छी गोल कीपिंग यहाँ पर बासित मिश्रा के द्वारा। नरेश मुंडा पर गिर लेंगे। बहुत अच्छी जबरदस्त शॉट यहाँ पर पहले ही मन बना चुका था कि मैं गोलकीपर के लेफ्ट जोन में किक लगाऊंगा। पहले उसके बाद इस को मैच में जो इस किक में जो जीतेगा उसके साथ होगा। इसलिए कहा मैच की कामयाबी अपने इरादे से दुनिया बदल लेते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने इरादे बदल देते हैं। इरादा अगर आपका मौजूद हो तो आप ऊंची से ऊंची मुकाम को हासिल कर सकते हैं। सुभाष मस्तो यहाँ पर बोल को सजाते हुए फिर से शानदार बचाव पर बासित बेसरा के द्वारा। बासित बेसरा ने साबित कर दिए हमसे कोई नहीं है दूसरा। एक नंबर का शॉट लेकिन एक नंबर का बचाव। चलिए हमारे बहुत सारे यूट्यूबर हमारे प्रोग्राम में जुड़ी है लेकिन SWFA जमशेदपुर के लिए फिलहाल कैमरामैन का भूमिका को अदा करें हमारे कमेटी के छोटा सा बच्चा को SWFA के सर ने इनको मौका दिए हैं। लगभग 10 साल के युवा 10 साल के बच्चे इस कार्यक्रम को SWFA जमशेदपुर में गेट करते हुए हाँ भाई 5-5 दो से ये वसित तीसरा आप लोग मेडिकल में रेस्ट ले लेंगे। टीम भी सपोर्ट का आपको बार बार हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं। बिना विलंब के हमारे